हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो भाई पूरे साल पढ़ाई कर ली है और अब नंबर आ चुका है हमारे फाइनल एग्ज़ाम का, मतलब मैथमेटिक्स का। बाकी सारे एग्ज़ाम्स तो आपके चल ही रहे हैं, मैथ के एग्ज़ाम में अब हैं 10 डेज और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 100 out of 100। क्या 10 डेज में 100 out of 100 मार्क्स आ सकते हैं? तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और इस थंबनेल को देखकर खुश हो गए, तो भाई ये आपके लिए वीडियो नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है बट नेक्स्ट जो 10 डेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि उनके 100 out of 100 मार्क्स आ जाए, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो भाई पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, 100 out of 100 कैसे आ जाएंगे? तो 100 out of 100 लाने के लिए आई होप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अभी तक NCERT कंप्लीट कर ली होगी, NCERT एग्जाम्पलर कंप्लीट कर ली होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे और मोस्टली बच्चों ने RD शर्मा भी कर ली होगी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। और अगर नहीं की तो एटलीस्ट आपको ये 3 तो कंप्लीट करने ही करने हैं। NCERT का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए विद एग्जाम्पल, सारे के सारे एग्जाम्पल्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। NCERT एग्जाम्पलर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक वाले बच्चों की जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली हुई है। अगर आपने NCERT और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके NCERT से ही आते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर पे जरूर थोड़ा सा फोकस कीजिए और अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप RD शर्मा या एग्जाम्पलर दोनों में से कोई एक बुक और कर लीजिए, आप 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आपको केस बेस और असर्शन रीजन के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने केस बेस की प्रैक्टिस नहीं की तो वो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं, स्पेशली असर्शन रीजन के। केस बेस तो फिर भी हो जाते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वाले की। स्टैंडर्ड वाले ये चारों चीज़ें आपको करनी ही करनी है, इनमें से अगर कहीं पर भी आपको कोई भी कमी लग रही है तो उसको पहले आप कंप्लीट कीजिए, फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट 10 डेज की। ठीक है, तो पहले आप ये कंप्लीट कीजिए। अब बचे हमारे पास 10 डेज और चैप्टर हैं 14, तो आप टारगेट करेंगे कि 2 चैप्टर्स इन अ डे, एक दिन में आप 2 चैप्टर्स उठाएंगे जिसमें से एक चैप्टर रहेगा टफ और एक रहेगा इजी। फॉर एग्जाम्पल आप एक ले सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और एक ले सकते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, सॉरी रियल नंबर्स। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक चैप्टर ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ उसका एप्लीकेशन वाला ले सकते हैं। ठीक है, आप एक ले सकते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और एक आपको एक चैप्टर जैसे कि पॉलिनोमियल ले लिया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक टफ और एक ईजी चैप्टर लेंगे और उसमें पहले तो इन सारी बुक से वो कंप्लीट करें, इसके बाद आप केस बेस और एसर्शन रीजन के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। एसर्शन रीजन के ये वाले जो क्वेश्चन है यहां पर आप फंसेंगे, केस बेस तो बड़े ही आराम से हो जाएंगे, एसर्शन रीजन में आप फंस सकते हैं, यहां पे वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे। तो मैंने कई सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसमें से आप एसर्शन रीजन की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, देखिए 95 तक तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे पहुंच जाते हैं, बात आती है 95 अबव, तो 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको अब करना क्या है? जो नेक्स्ट 3 डेज बचेंगे, 7 डेज में तो ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 डेज में आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो शायद आपने कभी पहले देखा ही ना हो, है ना। तो अब आपको यही प्रैक्टिस करनी है, आप रैंडमली कोई भी बुक लीजिए और रैंडमली उससे क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। कभी आपने RD शर्मा का हॉट क्वेश्चन उठाया और वो सॉल्व किया, अच्छा क्वेश्चन आप वो करेंगे जिसका आपके पास सॉल्यूशन भी हो, आप YouTube से निकाल सकते हैं, आप Google से निकाल सकते हैं, कहीं से भी हॉट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, और रैंडमली जो आपने अभी तक ना किए हो ऐसे क्वेश्चंस उठाकर आप सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और नेक्स्ट 3 डेज अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में भी कोई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो उस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर पाए तभी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे।
तो अब आपको टारगेट क्या करना है, रैंडमली कोई भी चैप्टर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन उठाइए, वो क्वेश्चन टफ होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे इजी आएगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको हॉट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिसका सॉल्यूशन भी आपके पास हो, चाहे वो गूगल पे अवेलेबल हो या यूट्यूब पे अवेलेबल हो। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आप फंसे, तो अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आपको समझ में कैसे आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपने ये नेक्स्ट 3 डेज, मतलब कि जो लास्ट 3 डेज हैं, उसमें इस तरीके से अप्रोच रखी, तो आप डेफिनेटली 100 out of 100 स्कोर करेंगे। और अगर आपको लगता है सर ये तो हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी कर रखी, तो फिर आप आज से ही शुरू कर दीजिए कि कोई भी चैप्टर लीजिए और उसके हॉट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आरडी शर्मा ले लीजिए, आरएस अग्रवाल ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई दूसरी एग्जाम आइडिया वगैरह कोई भी बुक लीजिए और उससे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने आज तक पहले कभी भी सॉल्व नहीं किए हैं। फिर से एक बात रिमाइंड करा रहा हूं कि आपको assertion reason पे ज्यादा ध्यान देना है, केस बेस्ड हो जाएंगे, assertion reason में आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी एडवाइस आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए, और आई होप कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, पेपर इजी आएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आप फंसोगे, और वही एक दो क्वेश्चन आपको 100 out of 100 दिला सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।